देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया तो सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया के घर से लेकर राजघाट तक खूब बवाल कटा। पूरे लाल लश्कर के साथ विक्ट्री का निशान बनाते जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर से राजघाट के लिए निकले तो उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था कि सिसोदिया को इस दिन का पहले से अंदाजा था, इसलिए सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार थी। लिहाजा सिसोदिया जानते थे कि सीबीआई दफ्तर तक के उनके सफर को अगर सियासी रूप से नहीं भुनाया गया तो आगे की जंग में मदद नहीं मिलेगी, और यही जान समझकर सिसोदिया राजघाट के बाहर सबसे पहले विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आए। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भी मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल पर लगाया। मैं जेल जाने से नहीं डरता, हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया का विक्टिम कार्ड कह रही है तो उसी बात को आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया काफी भावुक हुए। हालांकि वो जिस तरीके से तमाम बयान दे रहे थे, एक ओर वो भावुक नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ उनकी आगे की रणनीति भी समझ आ रही थी। अपने चंद मिनट के भाषण में कई ऐसी बात कही जिनकी पूरी कोशिश लोगों के दिलों को छूने की थी, और खासकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते बच्चों से अपील भी उनकी तरफ से की गई। मुझे वहाँ पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है। मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे तो मुझको खराब लगेगा, और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है तो अगर मेरे को वहाँ पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने सीधे सीएम केजरीवाल की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि बीजेपी को सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है और केजरीवाल देश सेवा के मिशन में लगे हैं। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए, हमें आपके ऊपर बहुत मान है। अब सियासी पंडितों की माने तो 24 का रण नजदीक है। पंजाब की जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हाल में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर का पद भी आम आदमी पार्टी अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने आबकारी घोटाले में फंसने के बावजूद पूरी कोशिश की कि इस पूरे मामले को शिक्षा की पिच पर मोड़ा जाए, और अपनी इस कोशिश में सिसोदिया काफी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि जिस तरीके से 26 तारीख को मनीष सिसोदिया से पूछताछ की सीबीआई ने 8 घंटे, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मिली, उसके बाद साफ है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले में, आबकारी घोटाले में किस किस का नाम सामने आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड के तौर पर इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।